हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका दोस्त पंकज, और स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो काफ़ी दिन हो गए हैं रैपिड रेल की वीडियो बनाए हुए और आपको रैपिड रेल की इन्फॉर्मेशन दिए हुए। तो आज की वीडियो जो होने वाली है वो रैपिड रेल के ब्रह्मपुरी स्टेशन और ब्रह्मपुरी स्टेशन से लेकर मेरठ सेंट्रल स्टेशन तक होने वाली है। तो अभी जो देख पा रहे हो जस्ट सामने हमारे, वो है ब्रह्मपुरी स्टेशन, जो कि मेनली होने वाला है मेट्रो के लिए। और यहाँ से ट्रैक डिवाइड होगा दोनों प्लेटफॉर्म के लिए। तो यहाँ की फाउंडेशन तैयार कर दी गई है, लेकिन अभी वायडक्ट वगैरह का काम नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ब्रह्मपुरी स्टेशन, उसके बाद चलेंगे हम आगे आपको मेरठ सेंट्रल स्टेशन की तरफ लेकर। मेरठ सेंट्रल वैसे अंडरग्राउंड स्टेशन होने वाला है, और कितना काम वहाँ हो चुका वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी हैं हम ट्रांसपोर्ट नगर के बाहर, और ये स्टेशन है ब्रह्मपुरी स्टेशन। दो फ्लोर का स्टेशन होने वाला है, और सेकंड फ्लोर पर जाकर आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा, वहाँ से आप ट्रेन में बैठने वाले हो। और अभी तक जितना मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी तेज़ी के साथ में काम चल रहा है, लेकिन एंट्री और एग्जिट पॉइंट का अभी कोई भी काम देखने के लिए नहीं मिलता है। अभी इमरजेंसी वाली जो स्टेयर्स होती हैं वो इन्होंने यहाँ पर लगाई हुई हैं। और आगे जो आप मशीन देख पा रहे होंगे वहाँ तक वायडक्ट का काम कंप्लीट हो चुका है। वो फ्लाईओवर है जो मंडी के सामने है, अमर उजाला के बाहर जो फ्लाईओवर है, वो फ्लाईओवर वहाँ तक वायडक्ट वगैरह का काम कंप्लीट कर लिया गया है। और जो ये थोड़ा सा एरिया है इसमें वायडक्ट का काम बाकी है। बाकी आगे चलते हैं, और मैंने आपको दिखाया ही जो ब्रह्मपुरी स्टेशन है, तो इस पर भी काफ़ी काम हो चुका है। और अभी वैसे समय लगने वाला है, अभी काफ़ी समय लगने वाला है। आप देख सकते हो कि स्ट्रक्चर तैयार कर दी गई है दोनों फ्लोर्स के लिए। और अब बढ़ते हैं हम ब्रह्मपुरी स्टेशन से और मेरठ सेंट्रल स्टेशन की तरफ, जो अभी जस्ट सामने मेरे प्लस देख पा रहे हो। तो यहाँ से ट्रैक डिवाइड हो जाएंगे, और बाकी अब हम मेरठ सेंट्रल स्टेशन की तरफ चल रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। अब मैं आपको बता दूं कि जो मेरठ सेंट्रल स्टेशन होने वाला है वो अंडरग्राउंड स्टेशन होने वाला है, और उसके बाद में आगे दो स्टेशन और, जो वैशाली ग्राउंड का स्टेशन है और साथ ही साथ बेगमपुल का स्टेशन, वो दोनों भी अंडरग्राउंड होने वाले हैं। यानी कि बेगमपुल के दूसरी साइड से अंडरग्राउंड होगी ट्रेन, और उसके बाद यहाँ आकर बहादुर मोटर पर वो बाहर आती है। तो अभी ये जो प्लस आप देख पा रहे हो कंप्लीट हो चुके हैं, साथ ही साथ कुछ वायडक्ट वगैरह का भी काम यहाँ पर चल रहा है। और जो अंडरग्राउंड से बाहर आती है ट्रेन, वो भी एरिया अब बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर वायडक्ट कंप्लीट किया जा रहा है, और आगे फाउंडेशन बनाई जा रही है आपका वायडक्ट को और ट्रैक को कंबाइन करने के लिए। तो ये जो आप फाउंडेशन देख पा रहे हो ये कंप्लीट कर ली गई है लगभग, और आगे वायडक्ट और नीचे से आने वाला ट्रैक, उसको कह सकते हो कि दोनों को अब जल्द से जल्द जॉइंट कर दिया जाएगा। अभी यहाँ पर फाउंडेशन ही तैयार की गई है, क्योंकि लेंटर वगैरह यहाँ पर डलने वाला है। ये अभी हम पहुँचे हैं बहादुर मोटर पर, और अभी आगे चलते हैं, और जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं वैसे वैसे ये ट्रैक नीचे होता हुआ चला जाएगा। और आगे लगभग जो मेरठ सेंट्रल स्टेशन वो लगभग 100 फीट नीचे है ज़मीन के, तो यहाँ से अभी नीचे पहुँचेंगे हम। तो अब जो सामने आप देख पा रहे हो कि कम से कम 2 फ्लोर हम नीचे पहुँच चुके हैं। साइड में आप देख पा रहे होगे कि फाउंडेशन तैयार कर ली गई है, जो दोनों साइड की दीवारें होने वाली हैं, और यहाँ पर आगे टनल के रास्ते आगे जाने वाली है। दोनों टनल अलग अलग जगह पर होंगी, और उसके बाद दोनों ट्रैक यहाँ आके बाहर आ जाएगी ट्रेन, और दोनों ट्रेन्स का के ट्रैक यहाँ पर बराबर बराबर होने वाले हैं। देख भी सकते हो कि जो ये फाउंडेशन बनाई गई है ये लोहे वगैरह की, तो इसमें भी दोनों ट्रैक्स या दोनों ट्रेनों के लिए अलग अलग जगह देखने के लिए आपको मिलती है। बाकी यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम चल रहे हैं दिल्ली चुंगी की तरफ, और यहाँ पर ये
आप कह सकते हो कि एक पुल टाइप में बनाया हुआ, यहाँ से नीचे से निकलने के बाद में बीच का एरिया ये कवर कर दिया गया है। इसके नीचे टनल वगैरह कंप्लीट हो चुकी है। और वैसे मेरठ के अंदर भी काफ़ी तेज़ी के साथ में यहाँ पर काम चल रहा है। और अभी आप देखोगे कि यहाँ आते आते हम कम से कम तीन चार फ्लोर नीचे पहुँच जाते हैं, लगभग 50 फीट नीचे पहुँच जाते हैं। आप नीचे देख भी पा रहे होंगे। और ये दोनों, एक टनल का काम काफ़ी आगे तक हो गया और एक साइड में अभी यहीं तक काम हुआ है। चलिए फिर चलते हैं आगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो आप नीचे देख पा रहे होंगे कि नीचे काम चल रहा है अभी भी, और ये कई फ्लोर नीचे काम यहाँ पर चल रहा है, और आने वाले दिनों में ये भी कवर कर दिया जाएगा बिल्कुल। तो इसके ऊपर से भी जो वाहन हैं वो गुजरने वाले हैं। तो अब पहुँचे हम दिल्ली चुंगी और आगे है अंडरग्राउंड मेरठ सेंट्रल का स्टेशन, लेकिन वहाँ का कंप्लीट एरिया कवर कर दिया गया है। नीचे स्टेशन का काम कंप्लीट, लगभग कंप्लीट सा ही हुआ है, लेकिन अभी अंडरग्राउंड हमें जाने की कोई परमिशन है नहीं। तो इस वीडियो का हम यहीं तक रखेंगे, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में।